हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके बजट की तरफ से उन्होंने आज स्कॉलरशिप दी है। स्कॉलरशिप के अंदर इस बार अवेल किए हैं फैसिलिटीज़ बीबी रजा डिग्री कॉलेज और बीबी रजा पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। ये सारा इवेंट हुआ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ब्रांच में। एमएलए मैडम गणेश फातिमा साहब अब यहाँ पर मौजूद हैं। मसर आलम खान, सैयद अहमद एक्स मेयर, एडवोकेट वहाज बाबा, फराजुस्सलाम, कई सारे सोशल वर्कर्स और सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे और मालाबार की कॉरपोरेट टीम भी यहाँ पर मौजूद रही। ये बड़ा अच्छा मौका है। मालाबार जो हमेशा से कुछ ना कुछ सोशल वर्क के अंदर वो जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो लोग गरीब लोगों के घर बनाने हो या फिर इस तरह के स्कॉलरशिप ड्राइव, कहीं पर भी मालाबार हमेशा से आगे रहा है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के शॉर्ट हाइलाइट्स। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय एसआर कॉन्टिनेंटल होटल। हमें ये स्कॉलरशिप के जरिए हमारी मदद की जा रही है हमारी पढ़ाई के लिए, और आप तमाम से मैं इसी तरह गुजारिश करती हूँ और कि हमारी मदद करते रहें। और मैं मालाबार ट्रस्ट की जानिब से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ अंजुमन तरक्की के फंक्शन हॉल में यहाँ पे मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से लड़कियों के एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर काफ़ी 145 भी बीबी राजा कॉलेज के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी गई है। मैं मालाबार वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ बहुत। ये लोगों ने ना सिर्फ अपना बिजनेस का सोचा है बल्कि लड़कियों के एजुकेशन के लिए भी ये लोगों ने जो स्टेप लिया है, मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। कमाल, ये लड़कियों के लिए काफ़ी इनक्रेज करने की बात है और बच्चों से मेरी दुआ है कि बच्चियाँ जो भी आइंदा अपनी उन लोगों के जो भी उन लोगों को आगे पढ़ना है, अल्लाह ताला उनको कामयाब अता फरमाए, क्योंकि लड़कियां जब पढ़ते हैं तो आइंदा फ्यूचर भी बच्चों का, उनके बच्चों का भी फ्यूचर ब्राइट रहता है। और इसीलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे जो मालाबार गोल्ड मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आए हैं, और खुसरो साहब के खाजा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से भी उनके मैडम प्रिंसिपल मैडम हैं और सुरैया सईसा मैडम, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज अंजुमन उर्दू तरक्की हॉल में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की सदारत में मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बीबी रजा कॉलेज के स्टूडेंट्स को, अराउंड 140 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई। इस मौके पर मैं मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस बेयरर्स, मालाबार गोल्ड के डायरेक्टर्स जनाब मंसूर साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। और जो मेरिट स्टूडेंट्स जिसने स्कॉलरशिप हासिल की उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट ने थ्रू आउट इंडिया में इनिशिएट किया है। ये उनका अराउंड 5th ईयर है। आज वो 10,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इनसे उम्मीद की जा सकती है कि और बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप देंगे। इस प्रोग्राम में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा और हम तमाम ने भी स्टूडेंट्स को यह एश्योर कराया है कि हम इस बात को शहर गुलबर्गा में यकीनी बनाएंगे कि हमारी बहनें सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से उनकी तालीम में रुकावट कहीं ना पैदा हो, इस बात की यकीन दही करवाई है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिया तहसीन बिनते अब्दुल रहमान, मैं बीबी रजा डिग्री कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ। हमारे मोहतरमा सदर मौलिमा साहबा डॉक्टर ज़ेबा परवीन साहबा और डॉक्टर राइसा नसरीन साहबा उर्दू लेक्चरर, मालाबार गोल्डन स्कॉलरशिप मंदार साहब का भी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें स्कॉलरशिप मुनक्किद से नवाजा। आई एम डॉक्टर ज़ेबा परवीन, प्रिंसिपल बीबी रजा डिग्री कॉलेज। सो आई एम हैप्पी टू inform that Malabar Gold Charitable Trust, they have taken a very humane initiatives of promoting women education by contributing
rupees 10,000 in the form of scholarship, which is a very big amount for the students to take up their, which will be helpful for the students to take up their studies. And also I am thankful to my management and all the faculty for initiating all those philanthropist acts which will be pro-student, as well as it will be promoting the women, for promoting the education, women education. Once again, I thank all the founder, to the office bearers of Malabar Gold and Charitable Trust, the team of Malabar Gold, for extending their valuable contribution to the for the promotion of women education. Thank you. हम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के जानिब से, मैं अब्दुल गफूर, मार्केटिंग मैनेजर हूँ. हमारे पास CSR एक्टिविटीज़ हम लोग आ जाना गुलबर्गा में कर रहे हैं, तो उसमें हम गरीब लोगों की मैक्सिमम कोशिश करके मदद करना हमारा एक इंटेंशन. हमारे कंपनी के जो ओनर हैं, सेठ साहब हैं, उनकी ये कोशिश है कि गरीब को किसी हाल में मदद करना. तो हमारा जो भी इनकम है उसमें CSR में हम लोग 5% उसका बेनिफिट लेके, बेनिफिट में से 5% लेके हम ये स्कॉलरशिप है, हाउसिंग चैरिटी है, मैरिज, गरीब बच्चों के मैरिजेस है उसमें, हाउसिंग बोले तो घर वगैरह जिसी के छता वगैरह लीक होते हैं या डैमेज रहते हैं, बारिश में वो लोग को तकलीफ होती है, वो भी बना के दे रहे हैं. शादियाँ बोले तो गरीब बच्चों की शादियाँ रहते हैं, उनको गोल्ड दे रहे हैं हमारे तरफ. और ये स्कॉलरशिप है. मेडिसिन बोले तो पुअर पीपल यानी मंथली जो ना 2,000 rupees पर डे पर मंथ के हिसाब से हम मेडिसिन भी दे रहे हैं. हमारा तो ये CSR मीन्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो ना हर कंपनी जो NMC है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनीज़ को ये करना है. गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 3% 2% का वो लोग बेनिफिट में से देना शेयर. अब वो लोगों क्या कर रहे हैं वो हमारे को नहीं मालूम. हमारी कंपनी के रूल्स के हिसाब से, कंपनी जो गवर्नमेंट रूल्स बोली वो रूल्स के हिसाब से हम लोग ये चीज़ों का फंड यूज़ करके सही जगह सही लोगों को पहुंचा रहे. दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल, एंड बाय SR कॉन्टिनेंटल होटल.